بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع. على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. इनदीन अस्ताद नदीनबीलासूली अज़ीज़लबा कराम सबक नंबर तीन सौ दस सूरत नूर आयत नंबर बाठसठ सूर् नूर के अंदर अहाम और आदाब का बयान था इसला के असूल और कवानी और दरमियान में मुनाफिकिन और ममिन का जिक्र था आखिर में जो आखिरी रुकू है इसके अंदर आज के सबक में असलाह के बाद तंजीम का बयान है और आदाब का बयान है जो कि इस मुसलमानों के इज्तमहीसूल और आदाब और जमात साजी और तंजीम के कवानी और असूल जो आम आदाब का ज़िक्र है कि उस्ताद या अमीर या रसूल सल वसम के साथ उठना बैठना जाना और इजाज़त मांगने के जो उस और आदाब है और इबाई रसूल का ज़िक्र है तो अल्लाह तबारक वाली शात फ़रमाते हैं इनमिन लदीन आमन अबिल्ला बेशक मोमिन वो लोग हैं यानी कामिल मोमिन आमन अबिल्ला जो अल्लाह पर ईमान लाएँ और उसके रसूल पर सही दिल से ईमान ले आएं यकीन कर जाए और इन ममिन का काम यह है कि वाक़ाका माहू जब ये होते हैं माहू ईमान नबी ये पैगम्बर के साथ अली अमर जाम किसी अमर मुजतम में यानी किसी इजमाई काम में शर्क होते हैं अमरन ऐसे काम में जामैन जो बहुत सारे कामों को यानि इकट्ठ मुजतम काम हो और जो इज्ती काम हो तो मसला किसी मशोरे के लिए गए हैं किसी दीनी मशरे के लिए या किसी और मीटंग के लिए या किसी इजमाही काम के लिए तामरी मस्जिद है या मदरसा है या जिहादी काम है हाँ या इसी तरह दीगर कोई इज्त मुसलमानों का अदालती कोई फ़ैसला है तो ऐसे काम में जब मुसलमानों की जमात जाती है और मजलिस शुरा में बहुत सारे लोग जमा होते हैं तो लम्हज़ हबू तो नहीं जाते हती यनूहू यहाँ तक कि नबी से इजाज़त मांगते हैं आ, उस काम में नबी की इजाज़त के बग़ैर नहीं जाते नबी से इजाज़त मांग कर जाते थे ये उनका अदब और अहतराम था या ये है कि कोई तालब इम है मदरसे के अंदर दाखिल है तो उस्ताद से इजाज़त मांग कर जाता है दर्स में या तबलीग में या दावत में या जहाद में तो बग़ैर इजाज़त और बग़ैर अमीर की इजाज़त के नहीं जाता इन लदीन जुनून का बेशक वो लोग जो इजाज़त मांगते हैं आपसे उलाइक लदीन हकीकत में असल में यही लोग हैं जो ईमान रखते हैं अल्लाह और रसूल पर यानी असल मोमिन यही है फा जनऊ का और जब वो इजाज़त मांगे आपसे लिबाज शान अपने बाज काम के लिए शान मना काम किसी काम के लिए घर में कोई मसरूफ़ीत हो या कोई दीगर अहम मसला उसको पेश आ जाए तो फाजन लिमन शे तमिन तो इजाज़त दे दें लिन उन के लिए शि त जिसको आप चाहें मिन हम इन से यानी जिसके लिए आप इजाज़त चाहें तो उसको इजाज़त दे दें और जिसको इजाज़त मिल जाए तो वस्तक फिर माफ़ी मांग अल्लाह से इनके लिए इन अल्लाह गफ़ूर रहीम बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला मेहरबान है यानी मोमिन जो है वो बग़ैर इजाजत के नहीं जाता हासिल ये निकलेगा लेकिन इजाज़त देने में इजन में अमीर को अख्तियार है इजाज़त दे या ना दे उसकी मर्जी है क्योंकि फाजल मनशी तमिन हम और फिर साथ साथ ये बात भी जिक्र की मिनहुम का लफ्ज़ जिक्र करके तबीज़ी है कि सब को इजाजत न दे बस सब को दे या बास को दे इसमें भी अमीर का इख्तियार है और किसी को दे और किसी को न दे ये भी अमीर का अख्तियार है लिबास शाहन इजाज़त दे दे लिमन जिसके लिए आप चाहें आपकी मर्जी है और मेन हम में इशारा है कि सब को न दे दे, दे बास को इजाजत दे दे वस्तकफिर लहमल्ला और माफ़ी मांगे इनके लिए अल्लाह से इसका मतलब क्या है क्योंकि ये जो काम था इज्तमाही काम था जिहाद का काम है या दावत का काम है या कोई अहम मशवरा है मुसलमानों के खैर खुवाही के बारे में ये दीनी काम है ये इज्तमाही काम है ये सब मुसलमानों का फरीज़ा है और वो जो इजाज़त मांग कर जा रहा है तो वह अपने दुनियावी काम से अपने ती काम से जा रहा है तो यह आला काम को उसने छोड़ कर दुनिया को और घटिया काम को उसने तरजीह दी है यह किस्म का गोए के घुनाह है और कमी है कोतही अब अदबी है तो इसलिए वस्तकफिरम्ल् इनसे माफ़ी मांग और तफसर सफ़त व तफसर ने लिखा है कि ले तकदीम व अमृत दुनिया अला अमर आखिरत इसमें दुनिया के काम को गोया किसने मुकदम किया है आखिरत के काम पर इसलिए इस्तार ज़रूरी है इन इनल्ला गफूर रहीम बेशक अल्लाह ताला माफ करने वाला महरबान है जो ग़लती को तय होगी अल्लाह ताला उसको माफ़ करेगा और अल्लाह महरबान है ला तजाल दुआ रसूल पहला अदब यह है कि इजाज़त मांगें और बग़ैर इजाजत के ना जाएँ दूसरा अदब जिक्र किया कि जब रसुलसलसम से इजाज़त मांगी जाए और उनको आवाज दी जाए तो इस तरह उनको आवाज न दी जाए कि जैसे हम एक दूसरों को आवाज़ देते हैं नाम लेकर कि या जैद या अबू बकर या फल हाँ या महम्मद न कहो ला तजालो दुआ रसूली बिनकुम कदवा इबाज कु न बनाओ दुआ रसूली रसूल को आवाज देना बिनकुम आपस में कदवा इबाजिक जैसे कि तुम एक दूसरे को आवाज़ देते हो बाज तुम्हारा बाज़ को आवाज़ देते हैं यहाँ दुआ बमाना निदा के है यानी नबी को आवाज़ देने को इस तरह मत समझो जैसे कि एक दूसरे को आवाज़ देते हैं नाम से कि या मोहम्मद मत कहो तफसीरी करतबी रही लिखते हैं कि या मोहम्मद न कहो और इसी तरह जिल नंबर बारह है और सफ़ा नंबर तीन सौ बाईस है और इसी तरह तफसर रोहलमानी है जल नंबर अठारह और सफर नंबर दो सौ पच्चीस में लिखते हैं कि फ़ी दलील तहरीम अला तहरीमिन दाई भी इसम ही यानी इस आयत के अंदर दलील है कि रसूल सल्ला वसलम का नाम लेकर पुकारना ये दुरुस्त नहीं है इसी तरह जिन रिवायात के अंदर ये आया है कि सहबा कराम ने या महमद अकबर ने कहा है तो उन रवायात के अंदर ये जवाब दिया गया असल में यानी तमाम साहब इक्राम ने या रसूल अल्लाह के आवाज़ से आवाज़ दी है या मोहम्मद नहीं का और जिन में या मोहम्मद का ज़िक्र है तो उसका जवाब ये है कि वो असल में साहब कराम थे जो शुरू शुरू में थे जिनको इन आदाब से इतना मालूम नहीं थी तो उस वजह से वो या मोहम्मद का लफर किया है वरना अक्सर जो सहबा कर कहना है वह या रसूल्ला है और जिन सहाबा को पता चल गया था तो फिर वो या मोहम्मद न कहते थे तफसर इसी तरह इसमें तफसर जादुलमसर और तफसर अहकाम क़ुरान इबन अरबी इन तमाम ने यही लिखा है कि या मोहम्मद के नाम दुरुस्त नहीं है जो लोग या मोहम्मद कहते हैं ये भी अदबी और गुस्ताखी करते हैं क़रीब से या मोहम्मद कहना जायज़ नहीं है तो दूर से तो बतरीका अवला जायज़ न होगा दूसरा माना आयत का ये है कि लात जालु दुआ रसूल बिनकुम कदा बाजुम बाज़ा दुआ ब माना हकुम और फैसले के न समझो लाता जालू माना न समझो दुआ और रसूल नबी के फ़ैसले और हुकुम को बे नकुम जो तुम्हारे दरमियान में है कदुआ बाज़िकुम बाज़ा जैसे कि तुम्हारे एक दूसरे के अहकाम और अमर होता है क्योंकि नबी का हुक्म और फैसला वो मानना ज़रूरी है और हमारा एक दूसरे पर अहकाम का मानना ज़रूरी नहीं है ए इतनी ज़रूरी नहीं है तीसरा माना है लात जालू दुआ रसूल दुआ से मुराद ये दुआ है कि नबी की दुआ और आम आदमी की दुआ में फ़र्क है तो लाता जालू दुआ और रसूली रसूल की दुआ को आपस में आप एक दूसरों की दुआ की तरह न समझो बल्कि नबी की दुआ वो बहुत आला दुआ है और उसमें बड़ा मकाम और मर्तबा है वो हमारी दुआओं से बड़ी फजीलत वाली है कदी आलमदी ने तसलिन यकीनन अल्लाह जानता है अदीन उन लोगों को यह तसल्लू जो खिसक जाते हैं मिन को तुम में से लिवादन पनाई हासिल करते हुए फली हजर युखालिफून बस डरें वो लोग युखालिफून आनम रही जो नबी के तरीक़े और उसके हुक्म की मुखालफत करते हैं वो डरें अंतसीबहम मानबान तसीबहम इस बात से कि पहुँच जाएगी उनको फितनातन फ़ितना और युसीब हम आज़ाबलीम या उनको दर्दनाक सज़ा पहुँचेगी यह तसल्लू ना तसल कहते हैं कि जो खिसक जाना खुफिया तरीके से मजलिस से एक आदमी अस्तर से खिसक कर निकल जाता है छुप कर निकल जाता है और लिवाज़न ये बाब मुफा का मसदर है लाअज़ा का मुलावजह लिवाज़न से है तो लिवाज़न जैसे फ्यालन का मजदर है मजदर भी इसका आता है और मुफाला भी आता मोला भी आता है और लिवाज़न बमाना एक दूसरे के पीछे पनाही हासिल करके छुप कर एक आदमी दूसरे की पनाही और वो दूसरे के पीछे होकर इस तरह निकल जाते हैं तो इसका ये माना होगा फली अखदर लदीन ये नहीं ये की आदत का बयान है जो नबी की मजलिस से खिसक जाते थे और छुप कर निकल जाते थे तो मोमिनों को कहा तुम ऐसा न करो फलीदर लदीन डरें वो लोग युखालिफुन आन अमरी जो नबी के अमर से मुखालफत करते हैं आन अमरी में तफसर बबन कसर ने लिखा है कि अमरी से क्या माना है वह सबीलू हो व मन हाज हो व तरीक़त हो वनत हो व शरीत हो फोज़न अकवाला बकवाल ही व आमाल ही सल वसलम फ़मा वाफ कज़ाल का कब्बिला व म ख़ालफा फमरदन आलाका यानी नबी समर से मुराद ये है कि नबी का तरीक़ा है नबी का मन हाज है उसका तरीक़ा सुन्नत तो उसकी शरीयत है तो फतूज़न अकवाल व तमाम अकमाल को जो लोग बातें करते हैं और अमाल है इनका वज़न किया जाएगा नबी के अकवाल और अमाल के साथ अगर हमारी ज़बान हमारी बातें हैं हमारे अकवाल है हमारे अमाल है हमारे है, नमाज है, है तलावत है ये नबी के ज़िक्र तलावत और उसके माशरे उसकी शरीय उसके मामलत के मुताबिक है तो फमावाफ कदाल का कब्बिला ये मकबूल है इंदल्ला वमा खालफ जो नमाज विक्र जो, जो तलावत जो दुआ जो रफ़्तार गुफ्तार नबी की से मुखालफत है वह मरदुद उन अला ही तो उसके करने वाले के ऊपर रद्द कर दी जाएगी तफसर इबन कसर जल नंबर दो सफ़र नंबर तीन सौ है गालिबा तीन सौ सात सफ़र नंबर तीन सौ सात और लफज़ फ़ितने का माना है कसवतुल्क़लब अनमार फतलमूफ़ी वमनकरी के अन तो सीब हम फितना तुन की में इन लोगों को पहुँच जाएगा फितना तो फितने से मुराद ये है कि दिल की सख्ती है वो मरूफ़ और मुनकर के पहचानने से इंसान में कसावत कल्ब की कैफियत पैदा हो जाएगी कि वह हक बात को और बुरी बातों में तमीज़ नहीं कर सकेगा जुनदी बगदी रहमोल्ला का कौल है और फितने का माना है दूसरा माना किया है तबसर करतबी रहल्ला ने कि अतब आल़लूब मखालफत रसूल वो दिल के ऊपर मोहर लग जानी है कि वो नबी आ सलाम के काम की और अमर की मखालफत में चलता है तो ये इंसान फिर खिलाफ सुन्नत ज़िंदगी गुजारता है और मारूफ़ और मुनकर को नहीं पहचान सकता तो ये माना है अव युसी बहुम आजाबलीम या इन दर्दनाक सज़ा मिलेगी और ये अव जो है ये अवमानतुल्व के लिए ये माना नहीं है कि या फितना पहुँचेगा या अजाबलीम पहुँचेगा दोनों में से एक होगा दोनों नहीं होंगे बल्कि दोनों का जमा होना भी जायजा मानतुल्खल तो कमाना दोनों का ख़ाली होना ज़रूरी नहीं ये नहीं कि फितना भी ना पहुँचे और अजाबलिम भी ना पहुँचे ऐसा नहीं होगा या ये कि दोनों पहुँचाएँगे दुनिया के अंदर कसवत कल्ब भी होगा तबल कल्ब भी पहुँच जाएगा कि दिल सख्त हो जाएगा दिलों पर मोहर लग जाएगी और यह है कि साथ ये कि अजाब आलिम भी आख़रत में पहुँच जाए और अगर ये पहली वाली बात ना हो तो आजाब आलिम तो ज़रूर पहुँचेगा या फितना ज़रूर लगेगा अलाफ सम ख़बरदार आखिर में बयान तोहीद है कि ख़बरदार बेशक अल्लाह के लिए वो चीज़ें जो आसमान में है और जो ज़मीन में है क़दिया जानता है माँ उस हालत को अं तुम आलए जिस पर तुम हो यानि तुम नबी की मुखालफत में ज़िंदगी गुजारते हो या नबी की इतबा में है तुम्हारे अंदर अखलास है मुनाफ़त है इस हाल को अल्लाह तानता है वयोम मयून और डर उस दिन से कि युजाउन जिस दिन ये लोग पेश किए जाएंगे अल्लाह के पास फयू नब भी ऊम फिरल्ला बताएगा बिमा अमलू जो कुछ उन्होंने अमल किया है आ वो इतबा रसूल के माफिक है या नबी की इतबा के मुखालफत में है तो उस दिन पता चलेगा आज से नबी की इतबा सीखो और नबी की इतबा में आ जाओ बिकुल वल्ल बिकलिसम अल्लाह हर चीज़ को जानने वाला है लिहाजा अल्लाह तुम्हारे अमाल को जानता है तुम्हारी नीयतों को जानता है तुम्हारी हर बात को जानता है अल्लाह ताला हमें सुन्नत की पाबंदी नसीब फरमाए शिरक़ और बदत से हमारी अल्लाह ताला एहतराज़ और हमें बचाओ नसीब फरमाए